आप सभी का स्वागत है पुनः स्वस्था अभियान में। सुंदरी नहीं जाओ जमुना पार, सुंदरी नहीं जाओ जमुना पार। परसों के तूफान ने सारे पौधे को झकझोर दिया, सबके पत्ते फट फट गए। बहुत विचित्र पत्थरों की बारिश हुई थी। यही है तूफान, जब भी इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति, इन संपूर्ण ब्रह्मांड में आती है तो बहुत कुछ लेके जाती है। उसी प्रकार आपके शरीर में बात का अगर सही से सिस्टम नहीं है तो उसमें भी तूफान आती है और बहुत सारे चीज को ले जाती है। इसीलिए अपने शरीर में बात का बना के रखें। आपको पता है कि आदिवासी क्यों नहीं बीमार पड़ते? प्रश्न बहुत बड़ा उत्थापित होता है। कि आदिवासी क्यों नहीं बीमार पड़ते? मजदूर को बहुत लाइलाज बीमारियां क्यों नहीं होती? बहुत सारे प्रश्न उपस्थापित होते हैं और जहाँ पे हम स्तब्ध रह जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही बीमार का नाम आता है तो रोग प्रतिरोधक का विचार अनायास मन में आना शुरू हो जाता है। अपने और अपने बच्चों का लालन पालन हम बड़े प्यार और उत्साह से करते हैं। उसके लिए मोटे गद्दे, मोटे बिस्तर, मोटे स्तंभों का प्रयोग करते हैं। एयर कंडीशन, न्यूट्रिशन डाइट आप और अपने बच्चे के लिए करते हैं। ठीक विपरीत आदिवासी जंगलों में रहते हैं, कभी भोजन मिलता है तो करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कपड़े पहनते भी नहीं भी। भोजनों में कंद मूल फल और जंगली पशुओं को बध करके खाता। उनकी अपनी एक सीमा है खाने की, किसको किस चीज को खाया जाएगा। टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया, बोटेनिकल नाम, और अभी जो मैंने खाया है, एक तो गुरीची था, स्टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया कहते हैं, और दूसरा था हमारा पुनर्नवा का दूसरा प्रजाति होता है,
पुरंडवा से भी थोड़ा सा पावरफुल होता है, बहुत विलुप्त है, ये बहुत कम मिलता है बहुत कम जगहों पे। और ये मूसली देखते हैं, अब ये मूसली है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये भी यह है बहुत कारगर होता है। आप इसका पाउडर मंगा सकते हैं। आदिवासी का इम्यून पावर इतना स्ट्रांग क्यों रहता है? वो सदैव प्रकृति के समीप रहते हैं। आप जो समझते हैं कि हम न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं, मगर नहीं, आपसे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन डाइट का फॉलो वो कर रहे हैं, पत्तियों से, फलों से, फूलों से, उनके ब्लड का रिसाइकलिंग होता रहता है, फ्री रेडिकल्स निकलते रहते हैं शरीर से, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, उनमें जो है पुराने परंपरा को अपनाने की क्षमता है, वो अपने धरोहर को बचा के रखते हैं, अपने कुलदेवता कुलदेवी पे विश्वास रखते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। कभी एक दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, देखिए इस समस्त प्रकृति के अंदर आप ये मत समझिए कि आपको कोई देख नहीं रहा, आपको देखने वाले सहस्त्र आंख से आपको देख रहे, आपके हर एक एक्टिविटी को वाच कर रहे हैं। आप जब भी योग करें, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने शरीर का एक्सरे करना पड़ेगा। आप अपने शरीर को भीतर से देखें, मैं ये हाथ रख रहा हूँ, इस हाथ से पंच तत्व का प्रवाह भी होता है, इस तत्व इस हाथ से संजीवनी बहती है, इसीलिए एनिसेंट टाइम को जब वाच करते हैं आप, पुराने सभ्यता को जब देखते हैं आप, तो कोई हाथ उठा के अगर किसी को आशीर्वाद देता है तो संजीवनी प्रवाहित होता है और आदमी उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने पास लेते हैं। इस पूरे दबाव के साथ, कंप्रेशन इम्प्रेशन और इमोशन के साथ जब आप योग करते हैं तो आपके हार्मोनिक सिस्टम आपको फॉलो करता है, आपके चित्त और बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा और शरीर में जो मार्ग अवरुद्ध है उसे दुरुस्त करता है। आपको एक चीज जानकारी होना चाहिए कि आपके ग्लैंड, मैंने कई बार चर्चा किया पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है, आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को देख रहे हैं जो आपके ब्रह्मरंध्र में होता है, आप अपने पीनियल ग्लैंड्स को देख रहे हैं जो आपके थर्ड पाए पे होता है, आप अपने भौहें को देख रहे हैं, अपने आँखें को देख रहे हैं, अपने मुंह कान नाक सब को देख रहे हैं,
उसमें कोई भी गतिरोध अगर है तो उसे आप समाप्त कर रहे हैं। आपके थाई, आपकी नी, आपके हैंड, ये आप फील कर रहे हैं कि आपके नदी के धारा में कहीं रुकावट तो नहीं है। आप इसी मुद्रा में, कॉन्शियसनेस में जाएं, कंसंट्रेट करें इसी खिंचाव की स्थिति में। हम सर से लेके पांव के उंगली तक अपने शरीर को एनालाइज करें, एक भी एक जगह ऑप्टिमाइज करें। अपने इंटेस्टाइन को, अपने हार्ट को, किडनी को, अपने सारे दोस्त को याद करें, कफ पित्त बात को।